भागवत मान जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि पंजाब जो है वो रोड एक्सीडेंट में देश के जो सबसे ज़्यादा जब मौतें हो रही हैं उनमें शुमार होता है पंजाब स्टेट का। सर जब बहुत फेमस कॉमेडियन जसपाल भट्टी जी की मौत हुई थी एक्सीडेंट में, तो पंजाब सरकार ने 138 ब्लैक स्पॉट, जिनको किलर स्पॉट कहते हैं, एस मोड हैं, यू मोड हैं, वो स्पॉट किए थे, लेकिन सिर्फ उनकी गिनती करके ही वहीं छोड़ दिया गया। क्या आप इसका संज्ञान लेंगे कि ऐसे ब्लैक स्पॉट्स, किलर स्पॉट जहां ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जहां हिस्ट्री है उस मोड की या उस सड़क की कि वहां एक्सीडेंट होते हैं, ताकि जो खूनी सड़कें जो बन चुकी हैं हमारी, मेरे खुद के 4 दोस्त सर आवारा पशुओं की चपेट में आके वो उनकी मौत हो चुकी है, इसके बारे में भी आप क्या कुछ कर सकते हैं तो बताइए सर। सम्माननीय सदस्य ने स्पीकर साहब जो कहा है उसमें कुछ बातों में निश्चित रूप से विचार करने लायक स्थिति है। अभी ये ब्लैक स्पॉट 786 NHI पर हमको मिले थे, उसके लिए हमने 12,000 करोड़ रुपए मंजूर किए और उसमें से 350 स्पॉट अब इम्प्रूव हुए हैं। पर जब बात ये जानकारी आई तब अभी ये ब्लैक स्पॉट की संख्या 5,000 के ऊपर चली गई, और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, म्यूनिसिपल रोड्स और NHI, हमारे मिनिस्ट्री में ये डिपार्टमेंट है और अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज, रोड वाइज इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी बात है जिसका मुझे बताते हुए समाधान हो रहा है कि सरकार ने एक योजना बनाई है 14,000 करोड़ की, उसमें से 7,000 करोड़ भारत सरकार देगी और 3,500 करोड़ वर्ल्ड बैंक और 3,500 करोड़ ADB हमको लोन दे रही है। और ये मैं विशेष रूप से हर बार ये बात का उल्लेख करूँगा कि तमिलनाडु ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से अच्छा काम करके 24% एक्सीडेंट्स और ये डेथ्स कम किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये 14,000 करोड़ हम राज्य सरकार को भी देंगे और ये ब्लैक स्पॉट जो है इसको इमीडिएट, मिड टर्म और फिर लॉन्ग टर्म ऐसा डिवीजन करके ये पूरे स्पॉट इम्प्रूव करने के लिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, ताकि इससे रोड के एक्सीडेंट कम होंगे और पंजाब में भी इसमें ध्यान देंगे।